कहाँ है? तो चाय लिया, कोई देर हो रही है। ला रही हूँ जी। लो माँ जी, आप भी चाय ले लो। बता दे, लो मैं बैठूंगा, लो बैठूंगा। मैं तो चाय पी जा रहा हूँ खेत, ठीक है? आप चाय पी का काम करिए और दवाई टाइम पर लीजिए, ठीक है? ओहो, एक तो चाय पी खेत बजा लिया। महारानी, आप चाय पी रही हो? अभी चाय का टच ले लेके पी रही हो क्या? अभी चाय गरम है। चाय गरम ना मुड़िया, तुझे हराम का बच रहा। चलो खड़ी हो, झाड़ू लगा। बेटी, इस उम्र में मेरे तो काम ना होता। मेरे घर तो ले, काम ना होता तुझसे। उठ, झाड़ू लगा, खड़ी हो। झाड़ू लगा यहाँ। ए भगवान, क्यों मेरी दुर्गति करवा रखी? इससे तो मेरी मट्टी सिंघवाल है तू। माँ, ओ माँ, अरे माँ। माँ जी, उठो तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? उठो, मैं लगाऊंगा। आप यहाँ बैठो, आराम करो। बड़ी जल्दी आ लिए। अरे यार, मेरा फोन रहेगा हमारे खाट पे, उसे लेना है। और माँ, तू की बैठी है? आराम कर ले बेटा। आराम ही तो कर रही थी, अभी बैठी हूँ। अच्छा। और हाँ माँ, देखिए मुझे आने में नहीं रो सके, तू रोटी खा लीजिए और आराम करिए, ठीक है बेटा? देखिए महारानी भी मुंह ढक्का बढ़ गई। बुढ़िया, चल उठ, कपड़े धो, उठ चल। बेटी, माँ जब मैं जानू खेत, ये तो दवाई में लापरवाही मत करिए। दवाई टाइम से ले लीजिए और रोटी टाइम से खा लीजिए, ठीक है? भैया, मुझे भी जाना खेत में। खेत में क्या करेगा? मैं भी थारे साथ लग का काम करूँगा। काम करेगा? अरे पागल, तू काम करे खेत में? तेरा भाई बट्टा कट्टा है। भैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, तू तो मेरे से बड़ा हो लिया। जा, खेल कूदा, मस्ती कर, काम करने को तेरा भाई है भी। भैया, तुमने मुझे कभी पिताजी की तरफ से ना बोलती। मेरे तो पिताजी तो भैया, भैया भी रो मत पगले। अरे तेरे जैसा भाई भी नसीब वालों को मिला है। चल तुम माँ के पास गए और मैं खेल गया। विश्राम कर रही हैं। खड़ी हो जा बुड्ढी ढांड, खड़े हो जा बुड्ढी ढांड, बर्तन का तेरा बाप साफ करेगा। खड़ी हो। जुनम, तेने मेरे गए कहाँ अभी? आ गया देख मैं क्या करूँगी तेरा। ए मम्मी तुम मेरे में इस उम्र में इतना काम करवा रहे हो, उस भगवान से भी डर रहे। मैं भगवान से डरू ना डरू, पर तू मेरे से डर ले बुढ़िया। चल खड़ी हो। ये दिन भी देखने पड़ेंगे। हे भगवान क्यों मेरी दुर्गति कर रखी है, उठा ले परमात्मा मुझे। अभी क्या हो रहा? क्या हो रहा? माँ बर्तन मांज रही है, तुझे दिखाई ना दे रहा। क्या हो रहा तेरी माँ को? मतलब लाला यानो कह रही तेरी माँ को पता नहीं क्या हो रहा, मना करते करते काम करती रहे हो। अरे माँ तू भी ना बुढ़ापे में काम करती रहे। चल बैठ। और भाभी अरे भाभी रोटी लिया मेरे लिए गाल कर। मुझे चैन से मत बैठन दियो, सारा कुछ मेरा हो रहा। अरे भाभी कम से कम रोटी तो प्यार से दे दिया करो। घना प्यार चाहिए तो अपना प्यार करवा ले। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। मैं तो सब्जी दी, मैं रोटी चुपड़ी हुई, मैं अचार, मैं कुछ घुटने के लिए रहता वहता। चलो भाई सही है। अरे भगवान रोटी लिया। ला रही हूँ। मत है ना खाली रोटी। ना बेटा मैंने सब खा ली, तू भी खा ले। मैं जब ठीक करा रोटी टाइम पे खा लेगा, तू मेरे टाइम पे खा। मुझे आने आने का। हाँ बेटा जब ऐसी बुआ घर में फिर क्या दिक्कत है? ठीक है ये बात बेटा ना तो पूरी कुलच में देख रहा अपनी माँ को क्या कह रही है। अरे माँ क्या बात होगी, तू कैसे तेरी कुलच में कह रही है? अरे बेटा बुढ़ापा है दुकान के चलते, मैं कह रही थी तो कुल की लक्ष्मी है। अच्छा 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 बुढ़िया मैं सब समझू तू क्या कह रही है। भाई भगवान की दया से आपका फसल बहुत बढ़िया हुई है। ऊपर वाले ने चाहा ना तो आपका सारे संकट कट जाएंगे। अच्छा भगवान तू बता तू क्या बनवाओगी, झुमके तगड़ी या मंगलसूत्र? अरे मैं घंटा से भोंग रहा हूँ, तू चुटा पड़ी है। क्या सोच रही है तू? मैं ये सोच रही हूँ मैं तुम्हारे घर सोऊं, तुम्हारे भाई के पास सोऊं। क्या मतलब? मतलब क्या? तुम अपने भाई का ब्याह करा दो, मेरे बस के ना दोनों का झटका झेलना। अरे साफ साफ बता बात क्या है? तुम्हारे भाई को जवानी फूट रही, आज उसने मेरे साथ वो करना चाहा जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। मेरे दशवजे भैया पे इल्जाम लगा रही है तो शर्म नहीं आती तुझे? अरे उसने कभी मेरे साथ आंख मिलाकर बात नहीं करी। हाँ अब क्यों करते हैं यकीन? जब यकीन करते जब मेरी इज्जत लूट जाती। नहीं मानू नहीं मानू नहीं मानू, मैं नहीं मान सकता। अरे मुझे अपने छोटे भैया पे अपने से ज्यादा भरोसा है। हाँ तुम्हें मेरी बात में क्यों विश्वास आएगा? कैसे तुम विश्वास? अरे मैंने अपने हाथों से पाला हूँ, मैं अच्छे संस्कार दिए मैंने उसे। अरे मुझे अपने छोटे भाई पे अपने से ज्यादा विश्वास है। तुम मानो या ना मानो ये सब सच है। मैं अपने होने वाले बच्चे की चाहती हूँ। भाई कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। भगवान तू चिंता मत कर, दिल करते सबसे पहले इसी बात का फैसला होगा। हो जाओ। महेश, ओ महेश, क्या सुन। महेश, ओ महेश, अरे महेश। हाँ भैया। खबरदार तुम्हें भैया कही तो। क्या हुआ भैया? मर गया भैया। आज तूने अपने भाई को मारा हरामखोर। अरे मैंने तुझे आज तक कोई काम को नहीं बोला, जो तूने मांगा मैं तुझे ला के दिया, और तेने यू नाम दिया। भैया क्या बात हुई, कुछ तो बताओ। मैं तो सपने में भी आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। सपने में सोचने की क्या जरूरत है जब तू दिन धोने अपनी माँ जैसी भाभी के साथ। बस इसका आगे कुछ मत कहो वरना मेरे कान फट जाएंगे। मैंने तो भाभी को सिर्फ अपनी माँ माना। रहने दे बगला पर रहने दे। जी मैंने ऐसे आ गया देख तुमने। भैया तुमने मुझे पिता का प्यार दिया, मुझे इतना मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो पर इतना बड़ा इंजाम मत लगाओ भैया। जरूर तुम्हारे किसी का कान भरे भैया। कान कौन भरेगा, जो तूने मेरे साथ किया मैंने वही तो बताया। बस भैया मैं समझ गया। जब कई दिन से रुक के सुख के मुझे नहीं मिल रही थी, या औरत है ना या हमारा घर का नाश करेगी। खबरदार इसको कुछ भी कहीं, और तेरी भलाई इसमें टर्जा करे वो। भैया मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली और आज भी नहीं टालू। ठीक है मैं वो घर छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखियो यह घर का नाश करेगी। अरे हमें देख नसीब तो होना। ठीक ना कर बुढ़िया, अभी तो तेरा नंबर भी है इस घर से जाने का। अरे मेरी तो छोड़, मुझे तो इस घर से नहीं, मुझे तो इस दुनिया से ही रहना है। पर तू अपनी सोच, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तू मेरी चिंता छोड़, चल बिगड़ा खानदान की मना तेरा मुल्क की। माँ, ओ माँ। अरे क्या बात है भगवान, क्या धरती पे बैठी है। सुन लो जी कान खोल के, इस घर में या तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। अरे कुछ बात भी हुई। रोज रोज के ताने मेरे घर सुने जाते। देखिए माँ की बात का पुराना माना करते हैं। अरे बड़े बूढ़े जो भी कहना है ना वो समझाने की कहना है। अब फिर माँ तो बुढ़िया हो रही है, साल दो साल काट रहे पे टाइम को। मेरा ना टाइम ना कटाया ऐसे। अगर यही हाल रहा तो मैं तो एक साल में मर जाऊंगी। अरे क्यों भगवान क्यों बावड़ी बात कर रहे हैं। चल हमें रोटी ला दे। तुम्हें रोटी की पड़ रही है, तुम्हारी माँ ने मेरा टुकड़ा बराम कर रखा। आज फैसला कर दो ना तो मैं बिजली के साथ तो मर जाऊंगी। अरे तू क्यों मरेगी, यू काम तो मुझे करना पड़ेगा, किसी मुझे बनना पड़ेगा। माँ को कुछ कह नहीं सकता, उसे मुझे बड़े प्यार से पाला। और तुझे क्या कहूँ, तू भी अपने पूरे घर को छोड़ के पीछे आई है। मैं कुछ ना जानती इस घर में, या तो हो रहा है मैं। अरे भगवान मेरा बेटा सच्चा सबूत है। इसको लक्षण की बातों में आकर उल्टा सीधा न कर ले। राम प्यारी तू ही कुछ सोच, बसा बसा घर न उतर जा। डेढ़ महीने में यूं कोई बात हुई? अरे यहाँ तक जीने लगने का तो चल बैठ, मैं मिला लाऊंगा अपना आप जाके। ना क्यों तू दुखी हो रहा, मैं आप पर चली जाऊंगी। तो परवाह जल्दी आ लिए 2 दिन में ही। ठीक है। अरे जान भी दो, आ जाऊंगी 2-4 महीने में। तू उल्लू की बच्ची है क्या, जीने लगने का 2 दिन में भी? तू जान पाने की बात कर रही है। अरे बेटा मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है वहाँ अधिका संभल कर जाइए। ठीक है। लगता है बुढ़िया भी गई। मेरी बात देखती गई। रेखा, पता चला देखो गांव गली गली ढूंढ रहा हूं पर माँ को कोई पता नहीं चला। पर मैं भी जमीन आसमान एक करके रहूंगा, माँ को भूल कर। भैया मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था। क्यों, क्या बात होगी? वरना चाची जैसी बुढ़िया देखी सड़क पे भीख मांग रही थी। ओए, बार भीख मांगेगी? ये मैंने दूर से देखी थी, चाची जैसी लग रही थी। एक बार देखने में क्या बुराई है? ठीक है बेटा, देखने में बुराई है। रुक जा हमारी माँ, रुक जा रे माँ। नहीं का ना किसी ने मारा। अरे माँ ये ना माँ, अरे माँ तो मत कह दे तू मेरी माँ है, गोपाल की माँ है तू। नसीब माँ ऐसी काम बताइए तो नहीं काम कर दिया बेटा। जो मैं बताऊंगी तेरा कलेजा फट जाएगा। ना माँ, आज बतानी पड़ेगी क्या बात हुई थी। जो ये बात तू घर बता देती तो आज उस दिन देखना ना पड़ता। बेटा मैंने तो सोचा था तेरा घर बसा के बसा रह जा, चलती थी निकल के। चलवा दो घर को, चलवा दो घर। माँ यहाँ बैठ जरूर। बैठ हो तो यहाँ बैठ। मिल गई माँ? किसकी माँ? बेटा कहता तू जैसी मिल गई माँ। जिसके अंदर भंड करेगा उसे बता दे आज। ये मसूद और सुबह पता पता कर मेडिकल पे कहां पता स्कूल सारे नगर के होटल लॉक लगा तुम्हारा घर पता नहीं जानना नहीं हैं मां तो हाथ खोल दे मेरा ले छोड़ दिया पर खबरदार जब बहुत हाथ लग गया मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी भी भैया आप पिताजी के समान हो, आपको डांटने का बहुत अधिकार है। चल घर चल माँ देख कौन आया। अरे मेरे बेटा मेरे लाल बस रो ना मेरे बेटा बस मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे माफ कर दो मालिक। चल बेटी खड़ी हो जा बच्चा से गलती तो हो ही जा पर बेटी मैंने तुझे कभी बहू नहीं मानी मैंने अपनी बेटी मानी तुझे। देवर जी तुम भी मुझे माफ कर दो। अरे भाभी तुम तो मेरी माँ हो और माँ अपने बेटे से क्या माफी मांगे। अजी आप भी माफ कर दो मुझे। और जब माँ ने कर दिया मैं इतना कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगा। तो कब करोगे। कैमरा कैमरा रोल हमने माँ का दूध पीना एक्शन ना देखा ना माँ तो आज ही आवेगी तुम ही लगता ना रिकॉर्ड का तुम ना आफत मचा रखी माँ का क्या तुम्हें दूध पीना है तुम लोग चल गई है तेरे तो माँ को पीऊंगा मैं। बेटी मैंने तुझे तो कभी बहू नहीं माननी ना बड़ा कर मिल गई एक्शन। कैमरा रोल एक्शन। बाल खोल कर रखे चेक करके बाल कितने पहले उसने करो न्यू। हाँ यही करो बस रो ना बेटा। अरे तुम खड़े हो गए ढूंढो।